नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मिनी ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं चिड़ियाघर और हम आपको दिखाएंगे बहुत ही डरावने जानवर, शेर, भालू, चीता और एक बहुत ही खूंखार जानवर दोस्तों। तो प्लीज़ आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हम पहुँच गए हैं सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन दोस्तों। अब हम यहाँ से ऑटो लेंगे, ऑटो भी हमें फटाफट से मिल गया है और अब हम जा रहे हैं चिड़ियाघर। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी उस खूंखार जानवर को देखने के लिए। ये है भारत मंडपम दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, मैंने तो पहली बार देखा। और बाहर बहुत ही खूबसूरत फुव्वारे भी चल रहे थे, काश थोड़ी सी बारिश हो जाती तो कितना मज़ा आता दोस्तों। फाइनली हम चिड़ियाघर पहुँच गए हैं और अब हम इंटर हो रहे हैं चिड़ियाघर के अंदर। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, गर्मी तो इतनी ज़्यादा है दोस्तों पूछो मत। गर्मी के मारे हो रहा था बेहाल, ऐसा लग रहा था कि काश हम थोड़े से ठंडे मौसम में आते तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता। यहाँ पे हमने थोड़ी सी फ़ोटो भी क्लिक कर ली। वो पीछे पुराना किला दिख रहा है, पुराना किला तो हम फिर कभी घूमेंगे, आज तो हम जा रहे हैं वो खूंखार जानवर देखने दोस्तों। वो आखिर खूंखार जानवर है कौन, ये मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। यहाँ पे हमने जल्दी जल्दी से ले लिया है टिकट, पांडे जी लग गए हैं लाइन में। वहाँ पे तो मेरे से खड़ा भी नहीं होया जा रहा था क्योंकि यहाँ पे इस शेड के नीचे कोई भी पंखा नहीं चल रहा था और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बस एक पंखा चल रहा था, मैं तो वहीं पर खड़ी हो गई। और अब हम आ गए हैं चिड़ियाघर के अंदर दोस्तों, हम हो चुके हैं एंटर। शुरू शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे हरे हरे सारा कुछ देखने को मिल रहा था और साइड में एक बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन भी चल रहा था दोस्तों। उसके अंदर तैर रही थी सफ़ेद कलर की बतके दोस्तों, जो नृत्य कर रही थी। ये है मछली, ये बहुत ही विशाल मछली है दोस्तों, ऐसी मछली आपने तो कभी भी नहीं देखी होगी, मैंने भी कभी नहीं देखी। हमने यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो क्लिक कर लिए। ये खूबसूरत मछली है, मछली आपको कैसी लगी दोस्तों और ये किस चीज़ की मछली है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो ये मछली बहुत ही अच्छी लगी और ये हरी हरी रेलिंग देख कर मेरा थोड़ा सा मन तो बहुत ही खुश हो गया। यहाँ पे हमने देखे हिरन, मृग हिरन देखे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मृग हिरन जब हम पिछली बार आए थे दोस्तों तो ये पूरा पार्क भरा हुआ था। इस बार तो यहाँ पे बहुत ही कम जानवर हैं, ये पता नहीं कौन सा हिरन है। यहाँ पे बोर्ड तो लगा हुआ है, सबके नाम लिखे हुए हैं। पांडे जी को तो इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि आगे आगे जाके वो उसी जानवर को देख ले, खूंखार जानवर दोस्तों। यहाँ का नज़ारा तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, हरे हरे चारों तरफ हरियाली छाई हुई है क्योंकि बरसात का मौसम है। और ये देखो हरा हरा तालाब भी है, ये प्राचीन तालाब है दोस्तों। यहाँ पे एक गुम्मत भी दिखाई दिया जो कि बहुत ही पुराना गुम्मत है। और ये है चिंपैंजी का घर, लेकिन चिंपैंजी तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी हमने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक कर लिए, फाइनली हमें एक बबूल दिख गया, बहुत दूर बैठा हुआ था और बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान था दोस्तों। इंसान तो इंसान, यहाँ पर जानवर भी बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान हो रहे हैं। गर्मी गर्मी गर्मी। और वो जो पीछे आप मेरे देख रहे हो ई रिक्शा, उसमें वो लोग बैठ के जाते हैं जिन लोगों से चला नहीं जाता। अगर आपसे चला नहीं जाता तो आप इस ई रिक्शा में बैठ के इस जुहू का, इस चिड़ियाघर का लुत्फ़ उठा सकते हैं दोस्तों। अब ये भी सुविधा यहाँ पे शुरू हो गई है। ये तो मुझे ऐसा लग रहा था, जो मेरे साथ साथ में बहन जी चल रही हैं, लग रहा था कि मेरी सगी बहन हो, हम दोनों की शक्ल मैच मैच हो रही थी। यहाँ पे भी हमने बहुत सारे हिरन देखे, हिरन के यहाँ पे बहुत सारी प्रजातियाँ दोस्तों। कुछ तो लाल कलर के हैं, कुछ वाइट कलर के हैं, कुछ बड़े बड़े सींगों वाले हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े सींगों वाले हैं। हिरन की प्रजाति यहाँ पर बहुत सारी हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जिस जानवर का बोर्ड लगा है वो जानवर यहाँ पर दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। क्या करें, हम तो इतना ज़्यादा परेशान हो गए दोस्तों, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है।
हम देखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे कोई भी जानवर नहीं दिखाई दे रहा है। शायद बेचारे गर्मी के मारे कहीं डर के मारे छुप गए हों छाया में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है दोस्तों। क्या पता वो इसी करके कहीं अपने तालाब तुलूब में या किसी पेड़ के नीचे बैठे हों शांति से। मुझे कोई पंखा तो मिल नहीं रहा, ना तो हाथ वाला पंखा मिल रहा है। मैंने अपने फ़ोन का कवर निकाल के सोचा इसी से ही हवा कर लूँ। ओ वाव, ये काली काली भैंस, ओ मैंने तो सोचा ये काली भैंस है, लेकिन दोस्तों ये काली भैंस नहीं है, ये हिप्पो है। ये एक हिप्पो है दोस्तों, गैंडा हाथी है। और इसको देख के तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये खुश था और ये अपने तालाब में से स्विंग करके निकल के आया। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं तोतों की महफिल में। यहाँ पे तोतों की महफिल सजी हुई है दोस्तों। फल फ्रूट अंगूर जामुन सब कुछ है यहाँ पे खाने के लिए। नीला तोता, पीला तोता सब मिलेंगे। ये मकाऊ है दोस्तों, मकाऊ एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसको देख के तो बहुत ज़्यादा मन खुश हो जाता है। ये मकाऊ तो थोड़ा सुस्त था, गर्मी के मारे परेशान था, इसलिए लेटा था। इसका कलर देख के तो मेरा मन बहुत ही खुश हो गया। मेरा मन कर रहा था काश मेरे पास ऐसा कोई पक्षी होता, लेकिन ये बेजुबान जानवर है दोस्तों, ये गर्मी के मारे बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये देखो क्या तौबा मतवाली चाल, ये मुर्ग है दोस्तों, काला मुर्ग। ये मुर्ग मुर्ग कैसे चल रहा है टेढ़ी मेढ़ी चाल दोस्तों, मतवाली चाल चल रहा है। सिल्वर कलर का भी है यहाँ पे मुर्ग दोस्तों। इतने प्यारे प्यारे पक्षी हैं, इतने प्यारे प्यारे कलर के पक्षी हैं, मन तो कर रहा है बस इन्हें ही देखते रहें। ओ ये क्या है, यहाँ पे तो बंदरों की महफिल चल रही है दोस्तों। यहाँ पे चिन्नी मिन्नी पिन्नी सब है, यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे बंदर के बच्चे हैं और यहाँ पे चल रही है मस्ती दोस्तों, क्योंकि इन्होंने एक किसी का छीन लिया है कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक छीन के यहाँ पे इनके चल रही है दोस्तों पार्टी। मुझे तो जामुन का पेड़ मिल गया और जामुन के पेड़ के नीचे मैंने तो जामुन ढूंढने शुरू कर दिए। घास के अंदर मुझे तो बहुत सारे जामुन मिल गए और सजल ने कुछ डंडा मार के भी जामुन गिरा लिए। चलो कुछ तो खाने को मिला, बहुत ज़्यादा तेज़ भूख भी लग रही थी, जामुन खाने को तो मिल गए। और देखो दोस्तों यहाँ पे तो लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ हैं, लेकिन लकड़बग्गा यहाँ दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे कहीं भी लकड़बग्गा आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ये सफ़ेद हिरन, मैंने तो सोचा दूर से कि ये बकरी हैं मेमने हैं, लेकिन ये दोस्तों सफ़ेद कलर के हिरन हैं। मैंने अपने जामुन रुमाल के अंदर रख लिए थे और जामुनों का लुत्फ़ उठाते हुए। ओ अफ्रीकन हाथी, देखो दोस्तों यहाँ पे एक अफ्रीकन हाथी है जो कि अपने कानों से अपने खुद के ही शरीर के लिए पंखा कर रहा था। हाथी के बहुत बड़े बड़े कान होते हैं दोस्तों, वो उसको अब हमेशा हिलाते रहते हैं, उससे उनको हवा मिलती है, उनका टेम्परेचर सही रहता है बॉडी का। लेकिन ये हाथी तो हमारे से बहुत ज़्यादा दूर था, इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं कवर कर पाए। जामुन का मज़ा लेते हुए दोस्तों यहाँ पे ये है जानवरों का हॉस्पिटल। यहाँ पे असली असली तो जानवर नहीं, लेकिन आपको नकली नकली डम्मी वाले जानवर तो मिल ही जाएंगे। ओ मुझे तो मिल गया बालम खीरा, बालम जी का खीरा मिल गया हमको। यहाँ पे बहुत सारे बालम खीरा के पेड़ थे दोस्तों। आपने ये नाम दुर्लभ नाम तो कभी नहीं सुना होगा, लेकिन इस बालम खीरा का बनती है दवाई दोस्तों। यहाँ पे हाथियों का जोड़ा है जो कि अपना पिछवाड़ा दिखा दिखा के हमको चिढ़ा रहे थे दोस्तों, पूछ हिला इलाके ऐसे कह रहे थे कि लो तुम हमारा वीडियो बनाओगे, बनाओ हमारा वीडियो, ऐसे करके पिछवाड़ा करके खड़े थे दोस्तों। हमने बहुत सोचा कि ये काश हमारी तरफ देख रहे होते तो हम इनका अच्छा सा वीडियो बना लेते, लेकिन ये तो अपना पिछवाड़ा करके हमारे साइड में खड़े थे और अपनी मस्ती में चारा खा रहे थे। ये एक बहुत ही विचित्र पेड़ है, बड़का पेड़ है दोस्तों। देखो इसकी जड़ें कितने चारों तरफ फैली हुई हैं। यहाँ पर मैंने बोला पांडे जी को आप मेरा फ़ोटो खींच दो, लेकिन पांडे जी ने मेरा तो यहाँ पे वीडियो बना लिया, फ़ोटो तो खींचा नहीं। सजल ने भी एक फ़ोटो खींच लिया और मैंने पांडे जी के बहुत सारे फ़ोटो खींच दिए। हम आए दोस्तों जिस खूंखार जानवर को देखने, तो मर गया इसका बब्बर शेर को देखने दोस्तों, लेकिन बब्बर शेर तो हमें मिला नहीं यहाँ पे देखने के लिए। और उसका पुतला यहाँ पे लगा दिया गया है और हमने पुतले को देख के काम चला लिया दोस्तों। बब्बर शेर शायद कहीं गया है, सोचा कि तुम लोग आ रहे हो, तुम्हारे आने से पहले मैं ही छुट्टी चला जाता हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे अच्छे पोज दे के पेड़ पर बहुत सारे फ़ोटो क्लिक कर लिए और अब हम चल दिए फूलों भरी सड़क पे। ये दोस्तों ये वहाँ पे बहुत अच्छी फूलों भरी सड़क है। मैं यहाँ पे ये बता रही थी कि बब्बर शेर पता नहीं कहाँ चला गया अपनी शेरनी के साथ, शायद कहीं पे ठंडे इलाके में गया होगा छुट्टी
हैप्पी मनाने के लिए। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए दोस्तों क्या प्यारी सड़क है, फूलों भरी सड़क है यहाँ पे, और फूल ही फूल चारों तरफ बिछे हुए हैं, फूलों की बहार है। ये पेड़ बहुत ही खूबसूरत है, फूल तो देता ही है, साथ में फूलों की बारिश भी करता है। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे भी एक बहुत खतरनाक जानवर है दोस्तों, जो कि है वाइट वाइट कलर का, और उसका नाम भी बहुत खतरनाक है दोस्तों। यहाँ पे है बाघों का जोड़ा दोस्तों, देखो कैसे गुफा के अंदर बैठे हुए हैं। गर्मी के मौसम में दोस्तों ये बेजबान जानवर बहुत ज़्यादा परेशान है, इस करके ये छुप के बैठे हैं कहीं छाया में, कहीं गुफा में, कोई तो पानी में लौट रहा है। एक तो बाघ पानी के अंदर लौट रहा था, मैंने सोचा कि शायद वो टेडी बियर है, लेकिन वो टेडी बियर नहीं था दोस्तों, वो तो खुद ही बाघ था जो कि वहाँ पे लेटा हुआ था। मैंने सिक्योरिटी गार्ड को पूछा आखिर वो क्या है, तो उन्होंने बोला कि वो बाघ है, वो पानी के अंदर लेटा हुआ है, अब गर्मी में मस्ती मार रहा है दोस्तों। गर्मी गर्मी और गर्मी है भगवान, ये क्या करेगी गर्मी। सारे लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे थे और यहाँ पे बब्बर शेर कह रहा था चले जाओ यहाँ से, हम तो वहाँ से निकल लिए दोस्तों। यहाँ पे एक बैठा हुआ है जैगवार, जैगवार दोस्तों बहुत ही खतरनाक है, लेकिन ये हमें तो बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा था, आँख भी मार रहा था साथ साथ में। पानी पीने की व्यवस्था आपको जगह जगह मिल जाएगी और सब कहीं ठंडा चिल्ड बर्फ़ वाला पानी मिलेगा दोस्तों। तो हमने यहाँ पे अपनी प्यास बुझा ली, कुछ छींटे मुंह के ऊपर भी मार लिए क्योंकि गर्मी के मारे तो हो रहे थे बहुत ज़्यादा परेशान, और शक्ल भी बेशकल हो गई थी दोस्तों, बहुत भीषण गर्मी हो रही है। हरे हरे पार्क में देखो यहाँ पे दो चीते भी अपनी मस्ती कर रहे हैं। चीता एक कौवे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कौवा कहाँ चीते के हाथ में आने वाला है, कौवा तो सबसे ज़्यादा चालाक होता है दोस्तों, इसीलिए चीते को उसने बना दिया है बेवकूफ़। चीते के हाथ में तो आया नहीं कौवा, कौवा तो उड़ गया। चीता कह रहा कोई बात नहीं बेटे, तू फिर आएगा पानी पीने तो हम फिर तेरे को बताएंगे, किसी ना किसी दिन तो पकड़ में आएगा। यहाँ पर भी ये चीते भी दोस्तों छाया में ही छुपे हुए थे, और कौवा तो पता नहीं कहाँ पे उड़ गया। एक तो चीता ये सोच रहा था काश ये रेलिंग खुल जाती कम वक्त तो मैं तुम्हें बताता कि मैं क्या हूँ। आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम तो आगे चले आए सांपों की दुनिया में, ये है सांपों की दुनिया, गोल गोल दुनिया है दोस्तों। यहाँ पे देखो अजगर कितनी मस्ती में लेटा हुआ है, इसको देख के तो मैं डर ही गई। ये इतनी मोटी मोटी गोल गोल जलेबी, कहीं कहीं तो दोस्तों यहाँ पे डमियाँ लगा रखी थी बहुत ही खतरनाक। सारे बोल रहे थे कि अरे तुम यहाँ पे डमियों से ही काम चला लो, ये हैं कछुए के अंडे और ये हैं मगरमच्छ क्रोकोडाइल दोस्तों। ये पता नहीं कौन सा कछुआ है कौन सा मगर, ये शायद डायनासोर, मुझे तो डायनासोर लग रहे हैं दोस्तों। और ये घूस है हमारे यहाँ पे, तो इसको घूस बोलते हैं, भारतीय अजगर है दोस्तों। क्या मस्ती से लेटा हुआ है, आपको तो दिखाई भी नहीं देगा, वो देखो एक कोने में लेटा हुआ ये गो है। गो वो जानवर है दोस्तों जो हमेशा मिट्टी के अंदर ही रहता है। यहाँ बहुत ही विचित्र विचित्र प्राणी हैं और बहुत ही विचित्र विचित्र सर्प हैं दोस्तों, कि जो कि मैंने कभी देखे नहीं थे। ये दो मुंह वाला सांप है, इसके दो मुंह है, एक मुंह से काम ना चले तो ये दूसरे मुंह से काम चला सकता है दोस्तों। शुक्र है भगवान का कि इंसान को दो मुंह नहीं दिए हैं, नहीं तो पता नहीं क्या होता, क्या होता पता नहीं हस्बैंड लोगों का क्या होता अगर किसी लेडीज़ के भगवान ने दो मुंह लगा दिए होते बोलने के लिए दोस्तों। ये अजगर तो देखो पूरा लकड़ी के ऊपर लेटा है, ये लकड़ी भी छोटी पड़ रही है, इतना लंबा ये अजगर है। अगर काश किसी को मिल जाए तो अच्छी खासी लंबी रस्सी है। ओ ये सीन तो मैंने देखा ही नहीं था, ये सीन तो मैंने वीडियो में देखा दोस्तों। देखो उस खोड़ से ऊपर नाक अपने फन निकाले हुए था, वो तो मैंने वहाँ पे तो देखा नहीं, बाद में मैंने वीडियो के अंदर देखा। ये है शुतुरमुर्ग, अगर इसने आपको दौड़ा लिया ना दोस्तों तो आप कि भागते भागते पैंट भी ढीली हो जाएगी, इसकी इतनी रफ्तार है। और ये अपने पंख बड़े करके हवाई जहाज़ की तरह एकदम स्पीड में दौड़ता है दोस्तों। शुतुरमुर्ग एक बहुत ही खतरनाक जानवर है, अगर गुस्से में आ जाए तो आपकी भागे लात नहीं लगेगी दोस्तों। ये तो अभी फ़िलहाल अपना दाना पानी चुग रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मिलते हैं अगले व्लॉग में,
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहुंच गए हैं मेट्रो स्टेशन और जल्दी जल्दी से मेट्रो की एसी में जाके बैठते हैं, थोड़ी राहत मिलेगी दोस्तों, बहुत गर्मी में परेशान हो गए। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।